नमस्कार आप सबों को, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए देखिए, फिर आपके बीच हम लेके आ गए हैं। जब तक इससे आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जिस क्वेश्चन तक ये थे उससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग 92 तो करवाए थे, आज 93 है, 93 भी हो गया था, 94 भी हो गया, 95। दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका मोह 27 है। देखिए भाई, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 216, यानी फर्स्ट और सेकेंड का दोनों का सम कितना है? 216। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ दोनों का, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 27। तो 27, तो ऐसी कितनी संख्याओं के पेयर बनेंगे, ऐसे कितनी संख्याओं के पेयर बनेंगे जिस जिनका मोह 27 है? तो ऐसा यदि प्रॉब्लम अगर रहता है तो आप सीधे जान के, यदि दो संख्याओं का योग यदि 216 है या कोई भी नंबर दिया रहे और एचसीएफ भी दिया हो, तो आप सीधे एचसीएफ से काटिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। 27, 8, 216, 8, 7, 56 और 8, 16, 5, 21, 8 उठा कट गया, यानी फर्स्ट और सेकंड का योगफल कितना हो गया भाई? फर्स्ट और सेकंड का योगफल आपका 8 हो गया। ऐसे दो नेचुरल नंबर को चूज करें, चुने कि जिसका योगफल 8 आ जाए, और वो दो नंबर हो जो नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। आप को प्राइम नंबर का नाम जानते होंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम नंबर? सहअभाज्य संख्या। ऐसी दो प्राकृत संख्या को चुनना जिसका मोह 1 होना चाहिए। जैसे आप देखिए, 1 और 7 जो जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, आई दोनों का मोह निकालेंगे तो 1 होगा। इसका मतलब एक जोड़ा बन गया, एक पैर बन गया। अब आगे क्या है, 8 को लिखेंगे, 2 और 6 मिलकर 8 आता है जोड़ के, लेकिन क्या मोह 1 आएगा? नहीं, 2 आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कितना हो गया भाई? 3 और 5 8 होगा, 3 और 5 8 मिला के इसका मोह हम निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब कितना जोड़ा बन रहा है? एक ये और एक ये, पॉसिबल जोड़ा कितना है? 2। तो आंसर मारेंगे हम, दो जोड़े इसका दो पेयर बनेगा जिसका योगफल जो है, दो संख्याओं का योगफल यदि 216 हो और एचसीएफ 27 हो तो कितने जोड़े बनेंगे? 2। चलिए आगे सवाल पूछो। अगला सवाल आपका कितने नंबर है? अगला सवाल आपका नंबर है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 19 रहता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? ऐसे क्वेश्चन आप क्वेश्चन भी देख रहे होंगे कि कहता है कि कोई नंबर है, उसमें आप जब 119 से भाग दे, रिमाइंडर मेरा कितना प्राप्त होता है भाई? 19 प्राप्त होता है। फर्स्ट कंडीशन में मेरा रिमाइंडर 19 आता है, सेकंड कंडीशन पूछता है कि यदि 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो ऐसे कंडीशन में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना मानने की आवश्यकता है, बस फर्स्ट कंडीशन में जो रिमाइंडर मेरा आता है बस उसमें क्या करेंगे, जिससे भाग देने के लिए आता है उससे भाग देंगे, बस मेरा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, आपका 2 आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। उसके बाद हम लोग अगले सवाल कितना है, 96 होगा शायद, 96 कितना नंबर है भाई? हाँ, 96 तो हो गया है, 97। अब ये बच्चा वाला नहीं है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सबसे बड़ी संख्या है, 5, 3 को चुनना नहीं है, ये 60 से पावर वाला है। 60 से पावर क्या होता है? कर्णिक घात वाला है। आप देख सकते हैं कि 97 का क्वेश्चन है कि √2, √3 और √4, उसके बाद 6√6, ये क्वेश्चन आपका है, कहता है इसमें बड़ा कौन है? तो बड़ा को पता लगाने के सबसे आसान तरीका क्या है, तुम जरूर देखिए, ऐसे संख्या में बड़ा चुनना है, कौन सा बड़ा है, तो सबका कर्णिक घात देखिए क्या है, यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, यहाँ पर कर्णिक घात 3 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। और यदि हम कर्णिक घात जब पता चल गया सबका एलसीएम निकाल लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम, नो पेन नो पेपर, 2, 4 का एलसीएम 4, 2 को नहीं देखना है, 3, 6 का एलसीएम 6, 3 को नहीं देखना है, बचा 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? दोनों मैक्सिमम नंबर से क्या कटेगा? 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 6 दूना 12, एलसीएम कितना निकल गया भाई? 12। जब एलसीएम 12 निकल गया तो पता चल गया कौन बड़ा है, कर्णिक घात कितना है यहाँ? 2, 2, 6, 12, इसका मतलब कर्णिक घात यहाँ बन जाएगा 12 और भागा देने पर 6 आया, तो 2 पर पावर 6 का मतलब, 2 पर पावर 6 का मतलब 64। चलिए भाई आगे, यहाँ से भागा देंगे 3 से देंगे 12 में, 3, 6, 12 पावर करेंगे 40 पर, 3 पर पावर 4 का मतलब 81, 81, 12, 81, 4 से भागा देंगे 12 में, 34, 12 और पावर करेंगे 3, 64 आएगा, इसका मतलब 12√ कितना भाई? 64। उसके बाद क्या है, 6 से यदि हम भागा देंगे 12 में तो 6 दूनी 12 पावर करेंगे 2, 12√36। आप देख सकते हैं
कि इसमें सबसे अधिक सबका करनी घात 12 12 12 12 है, तो सबसे बड़ा संख्या कौन दिखाई पड़ रहा है? 81। 12 रूट 81 किसके बराबर है? 3√3 के बराबर, यही सबसे बड़ी संख्या है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल को समझो। अगला सवाल क्या है? 98 50 क्यूब। देखिए 50 का क्यूब और प्लस माइनस 30 का होल क्यूब और प्लस माइनस 20 का होल क्यूब, कहता है कि इसको यदि हम सिंपलीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो हमेशा यदि देख रहे हैं कि अगर किसी भी तीन संख्या पर यदि आपका पावर क्यू रहता है, तो हमेशा ये दिमाग में हमेशा सेट करके चलना है कि जब तीन संख्या पर अगर पावर रहता है और उसमें देखिए दो को माइनस में दिया हो या किसी एक माइनस में दिया हो, तो सबसे पहले इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। तो आप देखिए यहाँ 50 प्लस में है, एक 50 प्लस में है और दो माइनस में है। अब इस सबों को जोड़ दिए, 50 माइनस 30 और माइनस 20 यदि जोड़ेंगे तो आप देखिए क्या बनेगा, माइनस 20 माइनस 30 माइनस 50 और माइनस 50 और प्लस 50 कट गया, क्या बचेगा? जीरो। जब इस कंडीशन में यदि जीरो आपका आता है, यदि जीरो आ जाता है, तो हमेशा क्या करें, तीनों संख्या को उठाएं, 50 को गुना करें माइनस 30 से और गुना करें माइनस 20 से, और एक संख्या और ले लीजिए एक्स्ट्रा जो कि तीन से हमेशा गुना होता है इस कंडीशन में, गुना कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, तीन दूनी छः, छः पचे तीस, तीस दिया 90, 90.30 आपका आंसर आ गया। चलिए भाई आपकी बार है क्या 99। नंबर सवाल है कि तीस संख्याओं का औसत यानी टोटल नंबर्स कितना दिया हुआ है। टोटल नंबर्स गिवन 30 है जबकि उसका एवरेज 12 है, उनमें से प्रथम यानी फर्स्ट जो है 20 का जो एवरेज दिया हुआ 11 है, यानी टोटल नंबर कितना है 30 और 30 का जो एवरेज दिया हुआ वह कितना है भाई, तो आपका 12 है। जब 30 संख्याओं का जब एवरेज दिया हुआ है 12 है, तो टोटल संख्याओं का सम क्या हो सकता है, दोनों गुना कर देंगे 12 कितना भाई 36, 360 हो गया। ये 30 संख्याओं का कुल योग निकला, जब हम एवरेज को जब नंबर से गुना करते हैं टोटल नंबर से, तो टोटल संख्याओं का योग निकल गया 360। अब क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि उनमें से प्रथम 20 का यानी 20 का औसत 11 है, 20 का कितना भाई, 20 का एवरेज आपका 11 है, तो यदि कुल संख्याओं का निकालेंगे 20 संख्याओं का, तो कितना होगा 22, 220 हो गया। अब शेष क्या है भाई, शेष कहता है कि अगली 9 का 10, अगली 9 संख्याओं का जो औसत है वो 10 है, गुना करेंगे 9 दहे कितना भाई 90, जोड़ देंगे इसको, ये 20 नंबर है ये 9 है, 20 9 कितना हुआ 29, ये 29 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा 0, 9 2 11 2 1 3 310। इसमें से एक संख्या कम रहा है, वही संख्या पूछता है कि वो अंतिम संख्या क्या होगी, तो कुल संख्याओं का योग में इसको माइनस कर दे 360 में 310 घटा दे कितना आएगा भाई 50, आपका आंसर आ गया, मार दीजिए 50। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा 100 नंबर, पूरे 100 100। और आपकी बात लगता है कुछ है क्वेश्चन में दमदार मजेदार और धमाकेदार। चलिए भाई चलते हैं आपकी बात धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। 1% के आधे को, 1% आपको पढ़े होंगे, परसेंट क्या है, प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है, जिसका हक 100 होता है। 1% के आधे को दशमलव रूप में वो व्यक्त करना है, 1% 1% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 होगा, और इसी का कहता है आधा करने के, आधा करेंगे तो क्या दो से भाग देंगे, दो से भागा देने क्या मतलब है, यहाँ हर में दो से गुना कर देंगे आ गया, जब दो से भागा देंगे एक में तो कितना 0.5 आएगा, और उसके बाद एक पर जितना जीरो रहता है डिनोमिनेटर के रूप में हर के रूप में, और लेफ्ट साइड हम उतना ही भागेंगे, एक पर आप डबल जीरो देख रहे हैं तो यहाँ से आप दो अंक आगे भागिए तो जीरो हो जाएगा, दो जीरो और फाइव यानी 0.005। चलिए आपको कैसा लगा, मेरे चैनल पर आप कमेंट्स करने का काम करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक अच्छे कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ।